कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा राधे राधे, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मेरे बहनों ने और मेरे सखियों ने मुझसे पूछा कि दीदी आप सूर्य ग्रहण अब कल है और सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण के दौरान आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हो, तो ये वीडियो में यही चर्चा करेंगे। कल है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आप लोग जानते ही होंगे ग्रहण के दौरान घर के मंदिर में पट बंद कर देते हैं या पर्दा डाल दिया जाता है, यानी भगवान के दर्शन नहीं किया जाते। मगर लड्डू गोपाल जी की सेवा में, लड्डू गोपाल जी तो हमारे फिर रात को शयन करते हैं, तो क्या उनको शयन कराना चाहिए या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस विषय में मेरा मत ऐसा है कि देखिए, आपके मन में भाव है कि हमारे ठाकुर जी हैं, श्री विग्रह है, पूजित हैं, आप मंदिर में उन्हें बिठा दीजिए, मंदिर का पट बंद कर दीजिए, सिंपल। मेरा तो ऐसा मानना है लड्डू गोपाल जी के प्रति आपका मातृवात्सल्य है, तो अपने बच्चे को आराम से उनको शयन कराइए। ग्रहण लगने से पहले उन्हें जगा दीजिए, उनको दूध, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको नाश्ता करा दीजिए। फिर ग्रहण काल के समय कुछ मत करिए। ग्रहण काल 2 बजे या 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप नहा लीजिए। उनके पास जो भी दूरवा है और उनके सभी चीज़ें हैं वहाँ हटा दीजिए, आप नहा लीजिए और लल्ला को भी नहला दीजिए आराम से। फिर खाना वाना बना के उनको भोग लगा दीजिए। इसमें इतनी चिंता करने वाली बात तो मुझे लगती ही नहीं है। हाँ, ग्रहण के समय हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, यह मंत्र का जाप करना आवश्यक है। या मन में या उंगलियों पर जय श्री राधे भी आप बोल सकते हैं, वह मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि भक्ति को ज़्यादा जटिल नहीं करना है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, ये वो सब चीज़ ये नहीं करना है। जैसे आपका मन बैठे वैसा कर लीजिए। गर्भवती बहने हैं तो इस ग्रहण काल में बाहर ना निकले, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी अपना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ग्रहण काल के बाद दान आदि करना आवश्यक है। गाय को आप चारा खिला सकती हैं, यथाशक्ति जिसको ज़रूरतमंद को उनको दान कर सकते हैं। पैसे का, कपड़े का या किराना सामान का कोई भी चीज़ यथासंभव यथाशक्ति दान कर सकते हैं, ये एक अच्छा मौका है। व्रत त्यौहार लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति रुचि रुचि भोग रेसिपीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्र और परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बोले राधे राधे।